अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सुमैया सिद्दीकी। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं लौकी और चने की दाल। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर हमने लौकी चने की दाल बनाने के लिए 300 ग्राम हमने लौकी ली थी, इसे अच्छे से छील लिया था और इसको इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप थोड़े बड़े पीस में भी कट कर सकते हैं। और लौकी ध्यान रहे बीज वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीज वाली जो लौकी होती है वो अच्छी नहीं होती है। 1 कप हमने चने की दाल ले ली थी और इसे हमने आधे घंटे से भिगो कर रखा है। अगर ग्राम से नापेंगे तो ये 200 ग्राम चने की दाल है और इसे आधे घंटे से हमने भिगो के रखा है। यहाँ पर हमने अनियन ले ली है, एक मीडियम साइज़ की थी, छोटी इतनी, और उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली है, पुदीना ले लिया है यहाँ पे हमने सूखा, अगर आपके पास हरा पुदीना हो तो वो यूज़ कर लें। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जीरा लिया है और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून फुल भर के रेड चिली पाउडर ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ही है 1 टीस्पून से। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून फुल भर के धनिया पाउडर और यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो 2 टमाटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लिया है जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून फुल भर के हमने गार्लिक पेस्ट ले लिया है और यहाँ पे हमने मिर्ची ले ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 150 ml कुकिंग ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल। तो अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा ज़्यादा तेज तेल में नहीं डालना चाहिए, लाइट तेल में डालना चाहिए। इससे क्या होता है, ज़ीरा अच्छे से पिंक हो जाता है, जलता नहीं है। ज़ीरे का कलर हमारा चेंज हो चुका है, अब हम इसमें अनियन डाल देंगे और इसे लाइट पिंक होने तक सॉटे कर लेंगे। अनियन का कलर हमारा लाइट पिंक हो गया है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ जो सूखे मसाले हैं वो ऐड करेंगे हम इसमें। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और यहाँ पे हम हल्दी पाउडर, सारे कुछ एक साथ ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे मसालों को अच्छे से। तीन से 4 मिनट भूनते हैं एकदम स्लो फ्लेम पे मसालों को। 4 मिनट भून चुके हैं स्लो फ्लेम पे मसाले को भूनते हुए, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर को सॉफ्ट होने तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट लगे हैं, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें लौकी डाल देंगे हम। और इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। लौकी को हमारे भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे और सीटियाँ लगा लेंगे। हमने इसमें चने की दाल ऐड कर ली है, अब हम इसमें हरी मिर्ची स्लेटी हुई ऐड कर देंगे और साथ साथ ऐड करेंगे पुदीना और इसमें सीटी लगा लेंगे हम। 200 ml वाटर ऐड कर रहे हैं, देख लेते हैं हम और ज़रूरत है नहीं, हमें इसमें 100 ml वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तो 300 ml हमने इसमें वाटर ऐड करना है। यहाँ पर हमने 300 ml वाटर ऐड कर लिया है, अब हम इसमें सीटियाँ लगा देंगे। हम इसमें 2 से 3 सीटी लगाएंगे। हमने इसे इसके प्रेशर में छोड़ दिया था, प्रेशर आउट हो चुका है, आप देखते हैं। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और सब्जी बनकर हमारी तैयार है, लौकी चने की दाल की। इसे कर लेते हैं सब। हमारी लौकी चने की दाल की सब्ज़ी बनकर तैयार है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी लौकी चने की दाल कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।